अभी एक्स्ट्रा आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास नाइन साइंस की बुक का चैप्टर टेन ग्रेविटेशन के पहले इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आगे की वीडियोस में एक्सरसाइज भी हम इसकी देखेंगे पहला क्वेश्चन है स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो ग्रेविटेशन का जो लॉ है वो बताना है तो आंसर है इसका अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रपोशनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम ये आप लोगों की इक्वेशन होती है और ये हमने चैप्टर में पढ़ा है कि यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन ये होता है कि यूनिवर्स का चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है और जो फोर्स वो अट्रैक्ट कर रहा है वो फोर्स क्या है फोर्स डायरेक्टली प्रपोशनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस सपोज करिए मैं आपको अट्रैक्ट कर रही हूँ यूनिवर्स का हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है और कैसे अट्रैक्ट कर रहा है फोर्स जो है ना जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासज के देखिए सपोज करिए मेरा मास एम वन है और आपका मास एम टू है और हमारे जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं हम दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वो ऊपर लिखते हैं डिवाइड वाले साइन के और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वो नीचे तो फोर्स जो लग रही है ना ग्रेविटेशन की दो बॉडीज़ पर वो उनके मास के मल्टीप्लीकेशन के प्रोडक्ट के इक्वल है और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलॉन्ग द लाइन ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू पार्टिकल्स तो फोर्स की पार्टिकल यहाँ है और एक पार्टिकल यहाँ है और फोर्स जो है डायरेक्शन की मतलब इन दोनों के डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग दू पार्टिकल्स इन दोनों पार्टिकल्स को जो लाइन जॉइन कर रही है इनके बीच में ये फोर्स आती है तो बेसिकली यही है कि भाई दो पार्टिकल्स हैं दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और उसके अट्रैक्शन की फोर्स क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेज प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू राइट द दॉमूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ तो देखिए इसमें क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन क्वेश्चन है कि फाइंड फॉर्मूला uh, बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट जो है उनके बीच का मतलब मैग्नीट्यूड क्या होता है तो देखिए द फॉर्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सर्फेस मतलब अर्थ का और अर्थ पर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन दोनों के बीच का मतलब देखिए अर्थ है और अर्थ के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है इनका मैग्नीट्यूड हमें बताना है तो फार्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इस यहाँ पर फॉर्मूला नहीं आया है तो फॉर्मूला देखिए ये होता है एफ इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल्स टू जी ग्रेविटेशनल मास और मास ऑफ अर्थ एम ई है मास ऑफ अर्थ और एम है उस ऑब्जेक्ट का मास जो हम निकाल रहे हैं और डिवाइडेड बाय उन दोनों के बीच का स्क्वायर एफ इज द ग्रेविटेशनल फोर्स जी इज द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जो कि वैल्यू आपको याद करनी होती है बुक में गिवन है, है ना एम ई मास ऑफ अर्थ है और एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सफेस ऑफ द अर्थ आर ई इज द रेडियस ऑफ द अर्थ तो नीचे जो है आर ई e का स्क्वायर ये रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर है जी ग्रेविटेशनल मास कॉन्स्टेंट है उनके जो बीच फोर्स है वो मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट जिसके बीच में हम लोगों को ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट निकालना है या फिर मैग्नीट्यूड निकालना है फोर्स का तो ये हमारा फॉर्मूला है एफ इज इक्वल्स टू जी एम ई मास ऑफ अर्थ इन मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर क्वेश्चन नंबर थ्री है व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल तो इसका आंसर है ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग टुवर्ड अर्थ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ अलोन आर सेट टू बी इन फ्री फॉल तो, तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गिर रहा है किसी ऊंचाई से और उस पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा उस पर और कोई फोर्स नहीं लग रही है तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है

सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है तो एक्सेलरेशन विद विच ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली टू वर्ड दर्थ इज नोन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट अर्थ पर गिर रहा है किस स्पीड से किस एक्सेलरेशन से गिर रहा है नेक्स्ट तो क्वेश्चन है वट आर द डिफ्रेंस बिटवीन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेट तो डिफरेंस बताना है मास और वेट में तो देखिए मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया तो भाई कितनी उसमें इनर्शिया है इनर्शिया क्या होता है रेजिस्टेंस टू द मोशन तो आप मोशन को कितना रेजिस्ट कर रहे हैं वो आपकी इनर्शिया है तो मास क्या होता है मास ऑफ द बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया कि भाई वो मोशन को कितना रेजिस्ट कर सकती है उतना ही उसमें भार होता है वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टिव टूवर्ड्स द अर्थ तो वेट क्या होता है कि आपका वेट वो होगा आप अर्थ पर कितना अट्रैक्ट हो रहे हैं किस वेट से अट्रैक्ट हो रहे हैं मतलब किस फोर्स से अट्रैक्ट हो रहे हैं आप अर्थ पर वो वेट होता है और मास में इनर्शिया का चीज आती है और वेट में इनर्शिया का नहीं आता ग्रेविटेशन मतलब ग्रेविटी की वजह से आपका कितना पुल आ रहा है अर्थ पे वो आपका वेट होता है और जो मास है उसकी यूनिट होती है के जी और जो वेट है इसकी यूनिट हमारी न्यूटन में आ जाती है इट इटमेन्स कॉन्स्टेंट एवरीवेयर तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मास जो है ना चाहे आप कहीं भी चले जाएं वो कॉन्स्टेंट रहता है और ये जो वेट है ना अगर आप लोग अर्थ पे आपका वेट अलग होगा मार्स पे अलग होगा मून पे अलग होगा तो वेट चेंज होता रहता है बट मास हर जगह सेम रहता है और एक और आप पॉइंट ऑफ डिफरेंस देख सकते हैं इट इज मेजर्ड बाय कॉमन बैलेंस इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस तो ये कॉमन बैलेंस है और ये स्प्रिंग बैलेंस नापने की मशीन जो होती है क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है उसमें हम लोगों को बोला गया है वाई इज द वेट ऑफ द ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज वन सिक्स इट्स वेट ऑन द अर्थ तो लर्नर बी एक्स्ट्रा आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ साइंस की बुक का चैप्टर ग्रेविटेशन के इंडेक्स क्वेश्चन तो ये सारे तो हम लोग देख चुके थे अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स से तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में हम लोगों को बोला गया है कि वाई इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून ये पता नहीं क्या हो गया यहां पे वन सिक्स इट्स वेट ऑन अर्थ तो अर्थ पे जो वेट है और मून पे जो वेट होगा सपोज करिए आपका वेट अर्थ पर 60 के है तो अगर आप मून पे जाएंगे ना तो आपका जो वेट है वो हो जाएगा टेन के तो, तो देखिए इसका आंसर है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो जो किसी भी चीज का वेट है वो डिपेंड करता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी की जो जी वाली वैल्यू है ना स्मॉल चीज पर डिपेंड करता है किसी भी चीज का वेट वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ इज सिक्स टाइम मोर देन दैट ऑफ द मून तो मून से सिक्स टाइम ज्यादा वैल्यू है जी की अर्थ पर द मास एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ इज मोर देन द मास एंड द रेडियस ऑफ द मून तो मास हो गया रेडियस हो गया अर्थ का मून से ज़्यादा है तो इसीलिए क्या होता है कि जो अर्थ पर वन सिक्स मास है अगर हम लोग इक्वेशन से देखना चाह देखने की समझने की कोशिश करें तो जी इज इक्वल टू कैपिटल जी और फिर मास और रेडियस का स्क्वायर होता है और यहाँ पर Uh, क्योंकि हमें पता है W इज टू एम जी होता है तो G की जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं तो G M को नीचे ले जाइए तो यहाँ पे G की जगह लिख सकते हैं आप लोग W अपॉन एम है ना तो यही हम लोगों ने यहाँ पर किया है तो ये वाली जो इक्वेशन थी इस इक्वेशन में G की वैल्यू की जगह आपने W अपऑन एम लिख दिया अभी जो डब्ल्यू अपॉन एम यहाँ पर था फिर आपने ये यह एम यहां पर पहुंचा दिया तो आप देखिए जरा मैं यहाँ से आपको समझाती हूँ जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर अब इस जी की जगह आप लोग ये लिख सकते हैं जी तो अगर ये जी है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी है तो ये जी की वैल्यू आप निकालनी है तो क्या हो जाएगा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम हो जाएगा तो हम यहाँ पर यही लिख देते हैं तो यहाँ पर देखिए इस वाली इक्वेशन में इस जी की जगह अब हम लोग लिख देते हैं डब्ल्यू अपॉन एम है ना इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर का स्क्वायर अब इस एम को यहाँ पहुँचा देते हैं तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम स्मॉल एम जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर है ना ये आर जो है ये रेडियस ऑफ अर्थ है और ये वाला एम रेडियस मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन अर्थ है और ये वाला जो है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मून तो ये वाला मून पे मास का ऑब्जेक्ट और ये वाला अर्थ पे तो ये बॉडी अर्थ पर कितना वेट होगा किसी भी बॉडी का अब मून पर कितना वेट होगा तो जहाँ पर आपने ई ई लिखा हुआ था उसकी जगह आप एम 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 कर दीजिए है ना अब आप क्या करेंगे अब ये वाली दोनों जो इक्वेशन हो गई हैं एक ये वाली हो गई बॉडी का जो मास है अर्थ पर और ये वाला बॉडी का जो मास है मून पर इन दोनों की जगह आप लोग ऐसे करके लिख देंगे क्योंकि देखिए बॉडी ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून आप इनको ऐसे करके लिख सकते हैं दिस अपॉन दिस तो या फिर मून वाला ऊपर लिख दीजिए और अर्थ वाला आप नीचे लिख दीजिए मतलब ये वाली इक्वेशन टू आप माने और ये वाली इक्वेशन वन माने तो इक्वेशन टू अपॉन इक्वेशन वन आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं तो यहाँ पर ये देखिए एम जी ई और एम जी एम मास से तो मास यहाँ पे कट जाएगा है ना तो ऊपर जो ये बचेगा सिर्फ ये हमारा ये वाला बचेगा मास और ऑन मून और रेडियस का स्क्वायर ऑन मून इनटू रेडियस का स्क्वायर ऑन अर्थ और मून तो फिर उसके बाद आप लोग जब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एज मास ऑफ मून इज वन अपॉन हंड्रेड टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ और रेडियस जो है मून का वो वन अपॉन फोर्थ है तो इस तरीके से देखिए क्या है ना ये वाली जो इक्वेशन है सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ आपको एग्जाम में ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है आप एग्ज़ाम में जो है यहाँ तक लिखेंगे ना तो आपके लिए सफिशियंट है बस आप थोड़ा सा बस ये समझ लीजिए कि इक्वेशन को आप लोगों ने डिवाइड कर तो डिवाइड करने के बाद ये बन जाएगा अब हमें पता है कि मास जो है मून पर वो वन हंड्रेड मतलब हंड्रेड टाइम्स कम होता है अर्थ पे किसी भी चीज़ के मास से और जो मून का जो रेडियस होता है वो वन पॉइंट फोर होता है अर्थ के रेडियस से तो इस वाली इक्वेशन में जब हम मास और रेडियस की वैल्यू पुट करेंगे तो वन अपॉन हंड्रेड इंटू फोर इंटू फोर जब हम करेंगे तो हमारा आ जाता है, हमें समझ आता है कि जो मून पर किसी भी चीज का मास होता है, वो अर्थ के मास से होता है। मतलब मून पर मास कम होगा और अर्थ पर ज्यादा होगा किसी चीज का छ गुना नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज इट डिफिकल्ट टू होल्ड अ स्कूल बैग हैविंग अ स्ट्रैप मेड ऑफ तो ऐसा बैग होल्ड करना क्यों मुश्किल होगा जब जिसकी स्ट्रैप पतली पतली सी होगी तो हम लोगों को क्या क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर देखते हैं वी नो दैट प्रेशर का प्रेशर इज टू फोर्स अपॉन एरिया होता है है ना प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया व्हेन स्ट्रिंग ऑफ द स्कूल बैग इज थिन इट्स एरिया इज स्मॉल एंड एज सच द प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द शोल्डर्स शोल्डर देंड बैग और द हैंड सपोर्टिंग द बैग इज लार्ज लिप skip this case the force acting on the shoulders or the hand which support the bag is equals to the weight of the bag in this case the strap is broad as usually the case the area on which the force अभी पहले मैं आपको पूरा पटक के बता देती हूँ फिर सिंपल सा आंसर समझा दूंगी वेट ऑफ द बैग एक्ट्स इन लार्ज इन द एरिया एंड द प्रेशर इज रिड्यूस एज द वेट ऑफ द बैग इज नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लार्ज एरिया तो बेसिकली क्या है सिंपल सी चीज है कि एरिया है हम सपोज करिए कि आपका कंधा है आपके कंधे पर एक पतली सी स्ट्रिप का बैग होगा और नीचे वेट बराबर है ठीक है वेट दोनों का बराबर है कंधे पर आपकी पतली सी स्ट्रिप होगी बैग की या फिर आपके कंधे पर मोटी सी स्ट्रिप होगी तो आपको भारी कब ज्यादा लगेगा आपको भारी तब ज़्यादा लगेगा जब आपके कंधे पर एकदम पतली सी स्ट्रिप होगी सपोज कर ये भी दस किलो है ये भी दस किलो है दस किलो को आप एक पतले से धागे से या पतली सी स्ट्रिप से पकड़ेंगे तो आपके कंधे पे ज़्यादा जोर पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप एक चौड़ी स्ट्रिप से दस किलो के बैग को पकड़ेंगे क्यों क्योंकि फॉर्मूला होता है प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया तो मतलब किसी भी चीज़ पे कितना प्रेशर लगेगा वो डिपेंड करेगा कि भाई कितनी फोर्स है और कितना एरिया है तो अगर आप लोगों को प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया को आप ऐसा लगाएंगे कि भाई फोर्स कितनी लगेगी तो भाई कितना प्रेशर है इन एरिया मतलब जितना ज़्यादा एरिया कोई चीज़ कवर करेगी ना उतना ही कम प्रेशर या फोर्स आप लोगों को फील होगी तो वही है कि अगर ज्यादा एरिया सेम वेट अगर ज्यादा एरिया आपके कंधे पे कवर कर रहा है ना तो आपको वो कम फील होगा एज कंपेयर टू अगर एक पतली सी स्ट्रिप आप अपने कंधे पे डाल लेते हैं तो वो आपको ज्यादा भारी फील होती है नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो व्हाट डू यू मीन बाय ब्रोएंसी तो ब्रोएंसी क्या होती है वेन वन एवर एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज इन लिक्विड जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में इमर्स करेंगे डुबोएंगे इधर या तो पूरी तरीके से या फिर पार्शली एक अपवर्ड फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द लिक्विड तो आप किसी भी चीज़ को जैसे आप मग को आप पानी में डालने की कोशिश करिए तो मग ऐसा लगता है कि वो ऊपर को आने की कोशिश करने लगता है एक अपवर्ड फोर्स वो लगाता है दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड अपथ्रस्ट और ब्योएंट फोर्स और फोर्स ऑफ ब्योएंसी एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूड ड्यू टू विच दिस अपथ्रस्ट इज एग्जर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ब्योएंसी तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में पानी में नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करेंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट है ना वो खुद को ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा तो ये अपथ्रस्ट वाली जो फोर्स होती है ना मतलब ऊपर की तरफ जो ऑब्जेक्ट पानी से आपने किसी चीज़ को दबा दिया नीचे पानी में नीचे धक्का देने की कोशिश करी वो ऑब्जेक्ट पानी से खुद को ऊपर की तरफ लाने की कोशिश करेगा यही जो फोर्स होती है यही ब्रोयेंसी की फोर्स होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन वाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है बहता है या फिर डूबता क्यों है जब वो वाटर पे फ्लोट कर रहा होता है तो इसका आंसर है व्हेन ऑब्जेक्ट हैज डेंसिटी लेस देन वन ग्राम सेंटीमीटर क्यूब मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर पानी की डेंसिटी से कम है तो फिर वो क्या करेगा वो पानी पे तैर जाएगा इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज़ इट ऑलवेज डिस्प्लेसेस मोर वाटर मोर वेट ऑफ वाटर देन इट्स ओन वेट तो देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर वाटर की डेंसिटी से कम है तो वो ऑब्जेक्ट आराम से पानी पर तैर पाएगा क्योंकि वो अपने मतलब पानी के वजन से देखिए क्या होता है ना बिकॉज इट ऑलवेज डिस्प्लेस मोर वेट ऑफ वाटर देन इट्स ओन वेट अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने वेट से ज़्यादा पानी को डिस्प्लेस कर देता है मतलब किसी ऑब्जेक्ट का तो खुद का जितना वेट है उससे ज्यादा पानी अगर वो हटा देता है ना तो वो पानी वो चीज़ पानी पे तैर पाएगी और अगर वो अपने वेट से कम पानी हटा पाती है तो वो डूब जाएगी तो कोई ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो अपने वेट से ज़्यादा पानी को हटा देता है इसलिए वो चीज़ पानी पर तैर पाती है एज buoyant फोर्स more मोर देन इट्स ओन वेट देयर floats इट फ्लोट्स क्योंकि बोयेंट फोर्स ज़्यादा है उसके खुद के वेट से इसलिए वो फ्लोट कर पाएगा और वेन ऑब्जेक्ट हैज़ डेंसिटी मोर देन वन ग्राम सेंटीमीटर माइनस 3 ठीक है देन इट्स सिंक अगर उसकी डेंसिटी किसी ऑब्जेक्ट की वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है तो वो सिंक हो जाएगा डूब जाएगा क्योंकि वो लेस अपने वेट से कम पानी डिस्प्लेस कर पाएगा एस बॉयंट फोर्स इज लेस देन इट्स ओन वेट देयरफॉर इट सिंक अगर बॉयंट फोर्स उसके खुद के वेट से कम होती है तो वो सिंक हो जाता है डूब जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 यू फाइंड अब देखिए ये जो है ना आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं थैंक यू एक्स्ट्रा आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे

दो ऑब्जेक्ट्स हैं ना तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं है ना और मतलब डिपेंड करता है कि वो कितने डिस्टेंस पर हैं तो इसमें क्या है कि हम लोगों को बताना है क्वेश्चन में कि हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में किस तरीके से चेंज होती है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ तो देखिए पहले इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन लग रही थी फिर इन दोनों का डिस्टेंस जो है आधा कर दिया गया सपोज ये दोनों अब यहां पर आ गए तो अब इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल पुल एक दूसरे पर ये लग रहा है इसमें क्या अंतर आया होगा तो इसका नॉर्मल सा फॉर्मूला है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के स्क्वायर के रेडियस का स्क्वायर मतलब उन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर इस तरीके से होती है तो इफ़ आर इज़ रिड्यूस टू हाफ अगर आर जो है वो हाफ हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए ना कि एफ इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर था तो अगर आर जो है वो हाफ हो जाएगा ऐसे करके तो ये क्या होगा वन अपॉन वन बाय फोर है ना अब क्या होगा ये जो फोर है ये ऊपर चला जाएगा तो फोर क्या हो जाएगा एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर बाय वन तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिकम्स फोर टाइम्स मोर तो आप ये ऊपर कैसे गया ये मैंने आप लोगों को मैथ्स में जब पढ़ाया ना तो समझाया हुआ है अब हाँ जल्दी ही हम लोग मैथ्स के वीडियोज भी स्टार्ट करने वाले हैं जैसे कि ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद हम लोग मैथ्स स्टार्ट करेंगे तो वन वन अपॉइंट फोर एक कैसे होता है तो इसमें देखिए इस तरीके का मैथ्स है सिंपल सा ऐसा होता है कि जब ये है और अपॉन में है है ना ऐसे करके तो इसका मतलब जो पूरा का पूरा नीचे वाला पार्ट है वो डिवाइड में है है ना तो जो नीचे वाला पार्ट होता है क्योंकि वो डिवाइड में होता है तो आप इसको ऐसे लिखिए वन डिवाइडेड बाय वन अपॉन टू है ना और अपॉन टू का स्क्वायर तो वन अपॉन फोर है ऐसे करके डिवाइड में आ गया अब हम लोगों ने छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि डिवाइड का साइन जो होता है उसकी जगह हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और ये वाली जो चीज होती है इसको उल्टा कर देते हैं तो वन इंटू फोर तो आंसर क्या आ जाएगा फोर आ जाएगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिकम्स फोर टाइम्स मोर तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो चार गुना ज्यादा हो जाएगी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी दो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर हम लोग हाफ कर देंगे तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो चार गुना हो जाएगी फोर टाइम्स हो जाएगी

किसी चीज को फेंकते हैं तो वाई हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्ट तो हैवी ऑब्जेक्ट फास्ट क्यों नहीं गिरता है एज कंपेयर टू लाइट ऑब्जेक्ट देखिए इसका आंसर है यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स इन प्रोपोर्शनल टू देयर मासेस ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है सारे के सारे ऑब्जेक्ट पे उनके मास पे डिपेंड करके जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा ग्रेविटेशन होगी बट अ हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइट ऑब्जेक्ट दिस इज बिकॉज ऑफ द रीजन रीजन दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है क्योंकि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है तो मास इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर जाके डिवाइड हो जाता है तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास हो गया या फिर फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सलेशन एज फोर्स इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट फॉर बॉडी ऑफ एनी मास तो एक्सिलोरेशन जो होती है ना वो हर बॉडी के लिए कांस्टेंट होती है मतलब एक्सिलरेशन नहीं बदलती है तो इसलिए फोर्स इज इजिकल्स टू एक्सिलरेशन इनटू मास होता है है ना तो अब ये तो कांस्टेंट है तो फोर्स उत, उतनी ही लगेगी सारे के सारे मासस पे एक्सिलरेशन के कांस्टेंट होने की वजह से कांस्टेंट कब होता है एक्सिलरेशन जब कोई भी बॉडी नीचे अर्थ की तरफ गिर रही होती है तो जो जी है ए की जगह वहां पर जी लग जाता है जी उस समय कॉन्स्टेंट हो जाता है सबके लिए टेन रहता है अब क्वेश्चन नंबर थ्री है देखिए वट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड अ वन के जी ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सर्फेस तो मैग्नीट्यूड क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का बिटवीन द अर्थ है ना अर्थ एंड वन के जी ऑब्जेक्ट ऑन इट सर्फेस तो अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वन के जी का तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड है मतलब अर्थ का मैग्नीट्यूड उस ऑब्जेक्ट का के कंपेरिजन में जो अर्थ के ऊपर रखा हुआ है कितना होगा तो देखिये मास ऑफ अर्थ जो है हम लोग को दे रखा है कि क्या होता है सिक्स इंटू सॉरी ये होता है सिक् पॉवर ट्वेंटी फोर के जी ये ट्वेंटी फोर साथ में आ गया ना ट्वेंटी फोर पावर में आएगा एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ इज टू द पावर मीटर तो फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारा कैपिटल जी है ना इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर सिंपल सा आप सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिए और आपका आंसर निकल आएगा सबकी वैल्यूज आप लोगों को याद होनी चाहिए क्योंकि देखिए कैपिटल जी जो है उसकी क्या वैल्यू होती है टू पावर माइनस अलेवन कैपिटल जी की जो वैल्यू है आप लोगों को बिल्कुल याद होनी चाहिए सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू दी पावर माइनस अलेवन और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हम लोगों को दे रखा है सॉरी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आप लोगों को वन के जी दे रखा है और मास ऑफ द अर्थ दे रखा है ये सिक्स इंटू टेन टू द पावर ट्वेंटी फोर दे रखा है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट वन दे रखा है रेडियस ऑफ़ द अर्थ आप लोग को पता है सिक्स पॉइंट फोर इंटू टेन टू दी पावर सिक्स यहाँ पर टेन टू दिवर सिक्स नहीं है तो रेडियस ऑफ अर्थ है पावर सिक्स और स्क्वायर क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर है इन सब की आप लोगों ने कैलकुलेशन कर लेनी है कैलकुलेशन करने के लिए देखिए सिंपल सा आपको बता देती हूँ मैं कि वन तो है ही नहीं है ना ठीक है वन को तो हटा देते हैं अब सिक्स पॉइंट सिक्स है और सिक्स पॉइंट फोर को ही आप लोगों को डिवाइड करना है कैलकुलेटर में मतलब तो कैलकुलेटर में नहीं आप लोगों को तो खुद करना पड़ेगा यहाँ पर मैं आपको पावर्स दिखा देती हूँ कि किस तरीके से कट जाएंगी सिक्स पॉइंट फोर के आगे एक तो स्क्वायर लगेगा है ना सिक्स पॉइंट फोर के आगे तो स्क्वायर लगेगा इंटू अब देखिए पावर ऐसे करके होती हैं तो ये क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है पावर तो ये क्या हो जाएगा सिक्स जीडर सिक्स डिजोर ट्वेल्व ट्वेल्व हो जाएगा और ऊपर क्या क्या पावर है ऊपर यहाँ पे ट्वेंटी फोर है और यहाँ पे माइनस अलेवन है तो ट्वेंटी फोर में से अलेवन को माइनस कर देंगे क्योंकि है ना मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है ऐड और क्योंकि एक माइनस और एक ट्वेंटी फोर है तो ट्वेंटी फोर माइनस अलेवन क्या हो जाएगा हमारे पास थर्टीन हो जाएगा तो सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू दी थर्टीन यहाँ पर आ जाएगा है ना टेन टू द थर्टीन आ गया और ये टेन टू दावर ट्वेल्व है अब डिवाइड में पावर क्या होती है माइनस हो जाती है तो ऊपर जाएगा थर्टीन माइनस ट्वेल्व यानी कि क्या बचा सिर्फ और सिर्फ टेन बचा तो यहाँ पर ये दोनों तो पूरे पूरे कट जाएंगे अब ये जो है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन और यहाँ पे ऊपर सिर्फ और सिर्फ टेन बचेगा अब सिक्स पॉइंट फोर इंटू सिक्स पॉइंट फोर ये वाली आप लोग कैलकुलेशन कैलकुलेटर में कर लीजिएगा आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कैलकुलेटर में क्या ख़ुद से करनी है देखिए ऐसे सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन अपॉन में सिक्स पॉइंट फोर इंटू सिक्स पॉइंट फोर देखिए दो पॉइंट के बाद दो जीरो तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कट गया क्या क्या बचा हमारे पास हमारे पास बचा सिक्स सिक्स सेवन अपॉन सिक्सटी फोर इंटू सिक्सटी फोर ये वाली चीज़ बची तो फिर आप लोगों को सिक्सटी फोर इंटू सिक्सटी फोर आप लोग करेंगे तो क्या आएगा देखिए एक मिनट सिक्सटी फोर इंटू सिक्सटी फोर नीचे आ जाएगा फोर ज़ीरो नाइन सिक्स ठीक है फोर ज़ीरो नाइन सिक्स आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा सिक्स सिक्स सेवन जीरो तो जीरो भी था ना यहाँ पे 4096 तो यहाँ पे फोर जीरो नाइन सिक्स तो सिक्स सिक्स सेवन ज़ीरो डिवाइडेड बाय फोर ज़ीरो नाइन सिक्स तो आगे हम लोग का आंसर निकाल लीजिएगा है ना अब क्वेश्चन नंबर फोर जो है क्वेश्चन नंबर फोर में पूछा गया है द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स तो फोर्स अर्थ और मून जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं हर ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है तो अर्थ और मून जो है अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को एक ग्रेविटेशनल फोर्स से द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद द फोर्स दैट इज ग्रेटर द ग्रेटर होगी मतलब अर्थ और मून एक दूसरे को अट्रैक्ट तो कर रहे हैं उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल पुल तो है तो हम लोग उससे पूछा गया है कि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा है या मून का ज्यादा है या फिर दोनों का सेम है तो ऐसा जो भी चीज़ है वो क्यों है तो देखिए इसका आंसर है द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून विद अ फोर्स इक्वल टू द फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ तो जिस फोर्स से मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रही है ना उसी फोर्स से अर्थ मतलब तो मून जिस फोर्स से अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है उसी फोर्स से मून भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रही है दिस

बट अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉफ मोशन एक्सिलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी बाई एनी प्रपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी मतलब एक्सलेशन इजर्सल प्रपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी मतलब जितना मास होगा उतनी कम एक्सिलरेशन होगी सिंस मास ऑफ द अर्थ इज मच मोर देन द मास मून एक्सिलेड इन बाय द अर्थ इज नेग्लेजिबल एज अ रिजल्ट इट अपियर्स एज इफ़ द अर्थ डज नॉट मूव टूवर्ड्स द अर्थ क्योंकि मास जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा है मून uh, से इसलिए एक्सेलरेशन जो अर्थ प्रोड्यूस करता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है इसलिए हमें जो है पता नहीं लगता कि कोई मूवमेंट हो रही है फिर अट्रैक्शन एक दूसरे के प्रति मतलब खिंच रहा है या नहीं खिंच रहा है ये सब हमें पता नहीं लगता है तो बेसिकली यहाँ पे न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाया है हमने और एक हम लोगों ने प्रिंसिपल लगाया है कि जो अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से बिल्कुल सेम फोर्स से होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट के बीच की जो फोर्स है क्या होगा वेन द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल मतलब एक ऑब्जेक्ट का मास अगर डबल हो जाएगा तो उन दोनों के बीच की फोर्स का क्या होगा तो देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है ना ये सब में लगेगा F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर चीज के साथ क्या होगा तो अगर मास एक का बढ़ जाएगा, मतलब कर डबल कर देंगे तो फोर्स भी क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी तो अगर आपने मास डबल किया तो फोर्स भी डबल क्योंकि सिंपली टू टाइम्स हो गया ना तो दस ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स गेट डबल अगर मास एक ऑब्जेक्ट का डबल होगा तो दोनों दो उन किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में देखिए ये वाला दो ऑब्जेक्ट ना अगर इस वाले ऑब्जेक्ट का मास डबल हो गया तो इन दोनों के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स भी डबल हो जाएगी नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल एंड ट्रिपल अगर डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट का वो डबल कर देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगी फोर्स वन बाय फोर्थ हो जाएगी क्योंकि डिस्टेंस हमारा नीचे आता है नीचे अगर टू होगा तो वो डिवाइड में जाएगा अब डिवाइड में जाएगा तो वन बाय फोर हो जाएगी ना फोर्स तो आप याद रखिए अगर डिविजन में जाएगी क्योंकि आर स्क्वायर होता है और अगर डिस्टेंस डबल हो जाएगा तो फोर्स वन बाय फोर हो जाएगी और डिस्टेंस थ्री बाय टाइम्स हो जाएगा क्योंकि थ्री बाय टाइम यहाँ पे देखिए थ्री का स्क्वायर होता है तो फोर्स क्या हो जाएगी फोर्स हो जाएगी वन बाय नाइन मैं दोनों आपको एक बार समझा देती हूँ ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया अब क्योंकि रेडियस डबल हो रहा है डिस्टेंस तो तो डबल हो रहा है तो यहाँ पे अंदर टू लगा देंगे यहाँ पे सिर्फ आर स्क्वायर था तो अब यहाँ पे क्योंकि डबल हो रहा है तो टू आर का होल स्क्वायर तो अब आर स्क्वायर लग गया यहाँ पे अब ये जो टू है ये अब यहाँ पे वन बाई में आ गया जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर तो ये वन पॉइंट फोर में आया तो वन पॉइंट फोर एफ वन पॉइंट फोर एफ यानी कि एफ बाय फोर हमारा यहाँ पर लग जाएगा तो दस ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बिकम फोर्स जो है वो वन फोर्थ हो जाएगी अगर डिस्टेंस जो है वो डबल होगा और अगर डिस्टेंस ट्रिपल होगा तिगना होगा तो इसी तरीके से वन बाई नाइन हो जाएगी ट्रिपल होगा तो वन बाई नाइन्थ हो जाएगी यहाँ पे ट्रिपल नहीं होगा यहाँ पे डबल होगा हाँ अब क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट है डिस्टेंस मासेस ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट आर डबल अगर दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट के मास डबल हो जाएंगे तो भाई फोर्स जो है वो चार गुनी हो जाएगी क्योंकि मास ऊपर होते हैं दोनों के दोनों के मास ऐसे टू इंटू टू हो गए तो फोर्स क्या हो जाएगी फोर टाइम्स हो जाएगी अब छः क्वेश्चन तो हम लोगों ने इस वीडियो में देख लिए हैं अब आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग आगे के वीडियोज में देख लेंगे तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइए अच्छा लगा तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए थैंक यू लर्न अबी एक्स्ट्रा आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ जो ग्रेविटेशन है चैप्टर आपका उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर सेवन से आगे क्वेश्चन देखेंगे इसमें तो देखिए पहला क्वेश्चन है वट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है तो देखिए इसका आंसर है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज इंपॉर्टेंट एज क्योंकि इस अकाउंट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सोलर सिस्टम भाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसे हमें समझ में आता है कि भाई सोलर सिस्टम वर्क कर रहा है क्योंकि हर बॉडी एक दूसरे से अट्रैक्ट हो रही है तभी तो मोशन कर पा रहे हैं प्लानट सन के अराउंड अगर ग्रेविटी ही नहीं होती सन किसी प्लानट को अट्रैक्ट ही नहीं करता तो भाई सन के चारों तरफ प्लानट्स चक्कर कैसे लगाते इसके लिए ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर होल्डिंग द एटमोस्फेर नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ तो सर्फेस ऑफ दी अर्थ हमारी अर्थ की जो जमीन है उसके आसपास कितनी सारी हवा है कितनी अलग अलग टाइप की एयर है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं क्योंकि अर्थ में एक ग्रेविटेशन है ठीक है गुरुत्वाकर्षण का पुल है उसकी वजह से ही सारे जो एटमोसफेयर में चीज़ें हैं वो होल्ड करी हुई हैं अर्थ ने फॉर द फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर आपने देखा होगा ना नदी नीचे की तरफ बहती है क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल लगता है उस पर अगर ग्रेविटेशन पुल नहीं लग रहा होता ना तो जो नदी है वो एक जगह रुकी रहती फॉर रेनफॉल एंड स्नोफॉल फॉल रेनफॉल स्नोफॉल फॉल कहाँ होती है नीचे की तरफ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फॉर अकरेंस ऑफ टाइड्स टाइड्स जैसे करके ऊपर जाके पानी नीचे आता है ना क्यों आता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट वॉट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल जो फ्री फॉल होता है मतलब आपने कोई चीज़ छोड़ दी वो ग्रेविटी की फोर्स में नीचे गिर रही है तो उसको फ्री फॉल कहते हैं तो क्या होता है इसमें तो ऑल ऑब्जेक्ट मूविंग टूवर्ड अर्थ ऑन अकाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन देम आर सेट टू बी इन फ्री फॉल तो जो ग्रेविटेशन की फोर्स ही सिर्फ जिस ऑब्जेक्ट पर लग रही होती है वो नीचे गिर रहे होते हैं उसको फ्री फॉल कहते हैं दिस फोर्स प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सलोरेशन इन द ऑब्जेक्ट ये जो फोर्स होती है वो यूनिफॉर्म एक्सपलरेशन प्रोड्यूस करता है दिस इज एक्सपलेशन ऑफ फ्री फॉल एंड इट्स वैल्यू इज नाइन पॉइंट एट तो फ्री फॉल की जो एक्सलोरेशन की वैल्यू होती है ना वो नाइन पॉइंट एट होती है और जो पूरी फ्री फॉल का मतलब बेसिकली क्या है कि आपने कोई भी चीज़ फेंकी और उस पर जो पुल लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है और कोई पुल उस पर नहीं लग रहा है तो ग्रेविटेशनल पुल जो लग रहा होता है उसकी एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होती है एक्सीलरेशन की वैल्यू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन है व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट तो जो अर्थ अर्थ में और किसी भी ऑब्जेक्ट में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है उसको हम क्या कहते हैं इसका आंसर है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और सिंपली अर्थ ग्रेविटी तो आप में आप भी एक ऑब्जेक्ट है अर्थ के लिए है ना आप में और अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रही है उसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं सिंपली या फिर अर्थ की ग्रेविटी उसको हम कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन अमित बाय फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड अमित ने कुछ गोल्ड खरीदा है कुछ ग्राम गोल्ड खरीदा है तो एट द पोल्स एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड अपने फ्रेंड के कहने पर उसने कुछ गोल्ड खरीदा ही हैंड्स ओवर द सेम वेन ही मीट्स हिम एट द इक्वेटर तो देखिए क्या है ना ऐसी ही अर्थ होती है अर्थ के जो ये वाले जो कोने होते हैं ना इनको हम लोग कहते हैं पोल हाँ ये वाले होते हैं पोल्स अब पोल पर उसके फ्रेंड ने जो अमित है वो पोल्स पर था यहाँ पर था या फिर यहाँ पर था अर्थ के दो ऐसे कोनों पे था यहाँ पर उसने कुछ सोना खरीदा अपने फ्रेंड के कहने पर तो उसने खरीद लिया पोल्स पर और अब और जब वो इक्वेटर पे आया इक्वेटर होता है बिल्कुल बीचों बीच अर्थ का वहाँ पर आकर के अमित ने अपने फ्रेंड को दे दिया विल द फ्रेंड अग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड बॉट इफ़ नॉट वाई अब उसने जितनी ग्राम का खरीदा था गोल्ड क्या वो इक्वेटर पर भी उतना ही रहेगा तो देखिए नहीं रहेगा क्यों देखते हैं वी नो दैट द वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटी इज ग्रेटर एट पोल एट द इक्वेटर तो जो जी की वैल्यू होती है ना वो पोल पर ना ज्यादा होती है एज़ कंपेयर टू अर्थ तो ग्रैविटी की वैल्यू पोल्स पर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दी अर्थ सो द वेट ऑफ गोल्ड एट द इक्वेटर विल बी लेस दैन द वेट ऑफ गोल्ड एट द पोल क्योंकि जितनी ज़्यादा ग्राविटी होगी उतना ही ज्यादा कोई भी चीज भारी लगेगी तो जो चीज़ अगर गोल्ड आपने पोल्स पर खरीदा होगा ना उसका वेट इक्वेटर पर आते आते कम हो जाएगा सो इट इज ऑब्वियस एट द फ्रेंड ऑफ द इक्वेटर विल नॉट एग्री विद द वेट ऑफ गोल्ड बॉट एट पोल तो पोल पर सोने का वेट या फिर आपका भी वेट जब पोल्स पर होंगे तो आपका वेट ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि पोल्स पर अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा होती है ये वाली चीज आप लोगों ने याद कि पोल जो होता है ना अर्थ का देखिए ये अर्थ है आपको पता है अर्थ की शेप ऐसी होती है ना गोल ऐसी ये जो कोने होते हैं ना ये होते हैं पोल्स तो पोल्स पर जो है ना अर्थ की जो ग्रेविटी होती है वो ज्यादा होती है एस कंपेयर टू इक्वेटर इक्वेटर बिल्कुल अर्थ का पीछों बीच होता है तो इक्वेटर पर क्योंकि ग्रेविटी ज्यादा है ग्रेविटी ज्यादा सॉरी पोल्स पर ग्रेविटी ज्यादा है ज्यादा ग्रेविटी जी की वैल्यू ज्यादा इसका मतलब क्या होता है कि आपकी वेट ज्यादा होगा अब वेट ज्यादा है पोल्स पर और आप इक्वेटर पर आकर किसी को वही सेम चीज दिखा रहे हैं जो आपने पोल्स पर खरीदी है तो इक्वेटर पर आकर उसका वेट कम हो जाएगा याद रखिए क्वेश्चन नंबर एवन है यहाँ पर वाई अ शीट ऑफ पेपर फॉल स्लोअर देन वन दैट इज क्रम्ड इन अ बॉल तो एक शीट जो है आप उसको नीचे गिराएंगे तो वो धीरे गिरती है एज कम्पेयर टू आप एक बॉल बना करके उस शीट को गिराएंगे तो वो थोड़ा जल्दी गिर जाएगी जमीन पर ऐसा क्यों होता है तो इसका आंसर है अ शीट ऑफ पेपर विल फॉल स्लोअर देन दैट इज क्रम्बल्ड इन द बॉल क्योंकि दिस इज बिकॉज द एयर ऑफर्स रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन टू द मोशन ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो नीचे गिर रहा होता है उस पर रेजिस्टेंस लग रहा होता है रेजिस्टेंस का मतलब होता है एक तरीके से रोक उस पर पकड़ लग रही होती है उस चीज़ की जैसे कि आपने पेपर को गिराया तो पेपर पर एक रेजिस्टेंस लग रहा है फ्रिक्शन की वजह से रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर टू द शीट ऑफ पेपर इज मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर टू द बॉल बिकॉज द शीट हैज़ लार्जर एरिया तो देखिए जो अगर जिस चीज़ का एरिया बड़ा होगा ना क्योंकि शीट जो है उसका एरिया बड़ा है अब शीट का एरिया बड़ा है तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा ना वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बॉल का बॉल का एरिया कम है तो कम एरिया की क्या होती है रेजिस्टेंस भी कम होती है तो जिसका एरिया कम है रेजिस्टेंस कम है तो वो थोड़ा जल्दी गिरेगा क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है ना कोई फोर्स आपको रोक रही है कोई फोर्स अगर आपको रोकती है ना बांधती है तो आप नीचे देर से गिरेंगे अब पेपर का बड़ा जो पेपर है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उस पर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगी बॉल का सरफेस एरिया कम है तो रेजिस्टेंस कम होगी इसलिए बॉल जल्दी गिर जाएगी नीचे और पेपर इतना जल्दी नहीं गिरेगा क्यों क्योंकि पेपर का सरफेस एरिया ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बॉल अब हम लोग जो है आगे का अब हम इसमें ना क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देखते हैं जितने भी न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस हैं ना वो हम इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन है कि इन वट डायरेक्शन डज द पॉइंट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन अ लिक्विड एक्ट तो जो ऑब्जेक्ट लिक्विड में इमर्स हो रहा होता है डूब रहा होता है तो बोयेंस फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है तो देखिए वर्टिकली अपवर्ड बॉयंस फोर्स जो है ऊपर की तरफ लगती होती है इफ एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज इन लिक्विड देन द बोन्ट फोर्स ड्यू टू लिक्विड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन तो ऑब्जेक्ट पर बोएंट फोर्स ऊपर की तरफ उसको धक्का दे रही होती है ऊपर की तरफ लग रही होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वाई डज अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज अंडर वाटर केम अप टू द सर्फेस मतलब आपने ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक नीचे की तरफ डाला था प्लास्टिक का डब्बा पानी में तो वो ऊपर की तरफ क्यों आ जाता है सिंपल बोयंट फोर्स द बोयंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक इज मोर देन इट्स वेट तो उसके वेट से ज्यादा जो है जितना भी प्लास्टिक का वेट है बोयंट फोर्स उससे ज्यादा लग रही है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इट कम्स अप वेन रिलीज अंडर वाटर तो वो ऊपर की तरफ आ जाता है क्योंकि उसका बेन्ट उसके वजन से ज़्यादा बेट फोर्स लग रही होती है द काज ऑफ दिस लार्जर बेट बो एंट फोर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक इज ड्यू टू इट्स डेंसिटी बीइंग लेसर देन दैट ऑफ वाटर तो प्लास्टिक के डिब्बे की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होगी इसलिए बेट फोर्स ज़्यादा लग गई और वह ऊपर की तरफ आ जाता है अब बस इसमें न्यूमारकल्स वगैरह बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए अच्छा लगा तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर्स को जरूर करिएगा थैंक यू नबी एक्स्ट्रा आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ ग्रेविटेशन जो आपका चैप्टर टेन है उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व तो इससे पहले कि हम लोग सारे क्वेश्चन आंसर्स देख चुके हैं अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हैं वो देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जो है उसमें हमसे कहा गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सर्फेस ऑफ मून इज ओनली वन एज स्ट्रॉगेस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सिक्स इन दर्थ मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ पर वो सिक्स टाइम्स है एज कम्पेयर टू मून तो व्हाट इज द वेट इन न्यूटन ऑफ टेन के जी ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ तो एक ऑब्जेक्ट है दस किलो का ठीक है उसका मास दस के जी है तो so, फिर उसका व्हाट इज द वेट इन न्यूटन न्यूटन में उसका वेट कितना होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पर और अर्थ पर अगर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन न्यूटन ऑफ ए टेन के जी ऑब्जेक्ट ऑन मून एंड ऑन अर्थ तो एक दस किलो का ऑब्जेक्ट जो मून पर है और जो अर्थ पर है मतलब कंपेरेटिव हमें बताना है कि उसका कितना कितना वेट होगा मून पर या फिर अर्थ पर तो अगर अर्थ पर उसका टेन के जी है तो मून पर उसका कितना वेट होगा तो मास तो एम हम लोग को दे रखा है कि भाई टेन के जी है है ना तो एम हमारा टेन के जी हो गया मास इज सेम ऑन अर्थ एंड द मून तो मास जो भी है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो सेम होता है आप लोगों को अच्छे से इस चीज़ को याद रखना है कि मास जो है ना वो ऑब्जेक्ट्स का बिल्कुल सेम होता है चाहे वो ऑब्जेक्ट अर्थ पर हो चाहे मून पर हो वेट वेरी करता है किसी भी चीज़ का वेट अर्थ पर सिक्स टाइम ज्यादा होगा मून से तो सेम होता है मास मास तो जो है मून पर अर्थ पर सेम होगा जो वेरी करता है वो करता है वेट तो नाउ वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन दी अर्थ तो अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे तो उसका देखिए प्रॉपर फॉर्मूला होता है वो होता है W इज इक्व टू एम है ना वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इक्वल टू मास ऑफ दर्थ इन टू ग्रेविटी ऑफ दर्थ तो मास हम लोग बता रखा है कि टेन है मास हमें टेन बता रखा है और जी की वैल्यू क्या होती है नाइन पॉइंट एट होती है तो वेट उस ऑब्जेक्ट का अगर न्यूटन में हम देखेंगे अर्थ पर तो नाइनटी एट न्यूटन उस ऑब्जेक्ट का अर्थ पर क्या निकल जाएगा वेट निकल जाएगा हम लोगों को उस ऑब्जेक्ट का मास बता रखा है अर्थ पर टेन के जी है ना तो हम लोग ग्रेविटेशन को लेंगे तो हम वेट निकालना है उस ऑब्जेक्ट का अर्थ पर तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इक्वल टू तो मास इनटू ग्रेविटेशन है ना तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशन ऑन दी अर्थ तो मास टेन है और ग्रेविटेशन नाइन पॉइंट एट है तो नाइन्टी एट न्यूटन हमारा वेट आ जाएगा उस ऑब्जेक्ट का अर्थ पर अब हमें उस ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो मून पर निकालना है तो मून पर निकालने के लिए हम लोग सिंपली ये जो चीज़ आई है ना इसको सिक्स से डिवाइड कर देंगे क्यों क्योंकि हम लोगों को पता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है अगर अर्थ पर सौ है तो अगर सपोज करिए अर्थ पर सिक्सटी है तो सिक्स से डिवाइड करेंगे तो मून पर उस चीज़ का वेट क्या हो जाएगा टेन हो जाएगा तो सिंपली क्योंकि वेट ऑफ समथिंग ऑन मून इज इक्वल्स टू मास मास तो mass तो सेम रहता है इनटू ग्रेविटी ऑन द मून तो ग्रेविटी की वैल्यू तो 9.8 है मास 10 है है ना ग्रेविटी की वैल्यू हमारी वही है 9.8 अब वो अब क्योंकि उसका सॉरी वे, वेट वे, वे, वे जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का मून पर सिक्स टाइम्स कम होता है तो सिक्स से डिवाइड कर देंगे six से डिवाइड कर देंगे ना हम इस करना है तो मून पर उस चीज का वेट क्या होगा नाइनटी एट डिवाइडेड बाई सिक्स इज इक्वल्स टू सिक्सटीन पॉइंट थ्री न्यूटन हो जाएगा सिंपली मास सेम होता है अर्थ पर और मून पर वेट जो है मून का अगर आपका वेट यहाँ पर 60 के है तो आपका वेट मून पर 60 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 10 के हो जाएगा सिक्स टाइम्स कम होता है मून पर वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बोला गया है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अवर्ट वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड मतलब आप लोगों ने क्या करा है एक बॉल फेंकी है ऊपर की तरफ और उसकी वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है 49 मीटर पर सेकंड उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है हम लोगों को कैलकुलेट करनी है मैक्सिमम हाइट टू विजिट राइस तो कितनी हाइट तक वो ऊपर चला जाएगा टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू दर्फेस ऑफ द अर्थ और वापस आने में उस बॉल को कितना टाइम लगेगा पहले तो वो कितनी हाइट तक जाएगा और वापस आने में कितना टाइम लगेगा तो एक्सेलरेशन जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू तो ग्रेविटी देखिए u की वैल्यू आ गई यहाँ पर हमें पास 49 मीटर पर सेकेंड और एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो आ जाएगी माइनस नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड है सेकंड स्क्वायर माइनस को क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है है ना अपोजिट फोर्स लग रहा है अब हाइएस्ट विलोसिटी जो होगी वो हो जाएगी जीरो क्यों क्योंकि वो टॉप पर पहुंच करके रुकेगा मतलब उसकी विलोसिटी खत्म हो जाएगी फिर अर्थ की ग्रेविटेशन पुल की वजह से वो नीचे आने लगेगा तो फाइनल वेलोसिटी उसकी बॉल की जीरो हो जाएगी तो इनिशियल वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की होगी यू फोर्टी नाइन ग्रेविटेशन होगी माइनस नाइन पॉइंट एट और हाईएस्ट वेलोसिटी वी इज इक्वल टू होगी नाइनटी मीटर पर सेकेंड अब मैक्सिमम हाइट वो कितनी रीच करेगा तो हाइट सिंपल सा हम लोगों का फॉर्मूला होता है न्यूटन uh, का लॉ ऑफ मोशन टू

टू तो हम ऐसी रख देंगे और ए की जगह आप क्या रखेंगे माइनस नाइन पॉइंट एट तो ये वाली यहां पर वैल्यूज सिंपली पुट कर देनी है यहां से यहां पर जाइए देखिए हम लोगों ने फॉर्मूला था टू एजल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वी स्क्वायर की वैल्यू जीरो यू हम लोगों की वैल्यू हमने देख ली थी कि फोर्टी नाइन है अब इसका स्क्वायर है ना स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे जीरो का स्क्वायर माइनस फोर्टी नाइन का स्क्वायर अपॉन टू इंटू नाइन पॉइंट एट माइनस का है ना माइनस का नाइन पॉइंट एट तो आप लोग फिर कैलकुलेशन करेंगे तो एस की वैल्यू यानी कि डिस्टेंस आ जाएगा फोर्टी नाइन इंटू फोर्टी नाइन मीटर पर सेकेंड से ये देखिए इससे ये कर जाएगा ये कर जाएगा तो सिर्फ मीटर बच जाएगा यहाँ पे यूनिट में तो नीचे आप पूरा जब डिवीजन कर लेंगे इसको सिंपली काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा वन ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव मीटर कैलकुलेशन ही करनी है तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा एस की वैल्यू आ जाएगी वन ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव मीटर अब हाइट uh, कितनी रीच करेगी 122.5 मीटर तक बॉल जाएगी अब इसके बाद हम लोगों को निकालना है कि उसको टाइम कितना लगेगा तो न्यूटन का दूसरा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है विजिक्वल्स टू यू प्लस ए टी तो हम लोगों को u पता है u 49 है v भी हम लोगों को पता है कि ज़ीरो है a हम लोगों को पता है कि 9.8 है अब t निकालना है तो t को अकेला छोड़ देंगे क्योंकि जो चीज़ निकालनी होती है उसको बेसिकली हम लोग अकेला छोड़ देते हैं राइट तो ये फिफ फोटी नाइन अब इधर जीरो था 49 इधर जाके माइनस का हो जाएगा और इधर बचेगा माइनस नाइन पॉइंट एट तो अब इधर टी को अकेला छोड़ दो और इधर क्या बचेगा 49 अपॉन यहाँ पे 9.8 तो 49 अपॉन 9.8 और टाइम क्या बच गया 5 सेकंड तो टोटल टाइम जो लगा वो लगा क्योंकि 5 सेकंड ऊपर जाने में और फिर 5 सेकंड नीचे आने में तो टोटल टाइम लगा 10 सेकंड्स है ना सिंपल तो ये हो गया हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है द स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टार ऑफ हाइट 19.6 मीटर तो स्टोन जो है एक टार है मतलब एक आप समझ लीजिए एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 19.6 मीटर एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 19.6 मीटर वहाँ पर से एक स्टोन को क्या करा गया है नीचे फेंका गया है अब कैलकुलेट इट्स फाइनल विलॉसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड ग्राउंड को टच करने से जस्ट पहले उसकी जो विलॉसिटी होगी वो क्या होगी तो भाई देखिये कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से फेंका गया है तो उसकी जो इनिशियल विलॉसिटी होगी वो तो जीरो होगी है ना नीचे वलॉसिटी जीरो होगी फाइनल वलॉसिटी क्या होगी ग्राउंड को टच करने से पहले वो हमें निकालनी है हाइट भी हम लोगों के पास गिवन है यानी कि डिस्टेंस हमारे पास है तो हमारे पास एच है यानी कि हम लोगों के पास एस एच और एस ए की चीज़ रहती है हमारे पास एस है राइट हमारे पास यू है और हमारे पास ए है और हम लोगों को क्या निकालना है हम लोगों को वी निकालना है तो सिंपल सा हम लोगों के पास फॉर्मूला है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर सॉरी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू जी एच टू जी एच या फिर टू जी एस है ना जी तो एक्सलरेशन होता है वी आप लोगों ने निकालना है यू आप लोगों का जीरो है टू इंटू जी क्या है नाइन पॉइंट एट हम लोग लेते हैं हाइट हम लोगों को नाइनटीन पॉइंट सिक्स गिवन है राइट right? अब इन सबको आप लोगों ने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है टू इंटू नाइन पॉइंट एट इंटू नाइनटीन पॉइंट सिक्स तो टू इंटू नाइन पॉइंट एट क्या हो जाएगा नाइनटीन पॉइंट सिक्स हो जाएगा सिंपल सी कैलकुलेशन है बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्योंकि 2 करेंगे तो आप का आ जाएगा क्यों v v तो 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 क्यूं? क्योंकि क्या होता है जब रूट स्क्वायर होता है ना तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा ये वी स्क्वायर है और यहाँ पे दो नाइनटीन पॉइंट सिक्स थे तो नाइनटीन पॉइंट सिक्स का स्क्वायर हो गया स्क्वायर से स्क्वायर कट गया v इज इक्वलटीन पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी है नाइनटीन पॉइंट सिक्स सिंपली दोबारा से मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या हुआ है इसमें हमारे पास u जीरो है v हमें निकालना है h हम लोगों के पास है यानी कि डिस्टेंस हम लोगों के पास है नाइनटीन पॉइंट सिक्स और g की वैल्यू हमें पता होती है नाइन पॉइंट एट या फिर टेन हम लोग रखते हैं और फिर सिंपली ये चारों की चारों चीजें हमारे तीन चीजें थी चौथी निकालनी थी तो हम लोगों ने ये वाला जो फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच इसमें वैल्यू पुट कर दी तो यहां पर देखिए हम लोगों ने वैल्यू पुट करी हुई है इस एट, ये से आप हो है। कोई बात है, लिख भी सकते हैं नहीं लिखे तो भी चलेगा एच की जगह नाइन पॉइंट सिक्स तो टू इंटू नाइन पॉइंट एट करेंगे तो नाइनटीन पॉइंट सिक्स हो जाएगा और दो नाइनटीन का स्क्वायर कटा वी की वैल्यू आ गई सिक्स तो अब आगे के चलो एक और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में हम लोगों को बोला गया है अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड मतलब स्टोन को आपने ऊपर की तरफ फेंका है विद अ वेलोसिटी ऑफ दिस तो यानी कि यू क्या हो गई आपकी फोर्टी मीटर पर सेकेंड हो गई और जी हो गई यहाँ पर हमें बोला गया है कि टेन निकालनी है अब हमें बताना है कि उसकी हाइट मैक्सिमम वो कितनी रीच करेगा वेन द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन तो मतलब हमें ऊपर यहाँ से आपने पत्थर फेंका है तो वो पत्थर कितना ऊपर तक जाएगा ये बताना है डिस्टेंस कवर और डिस्प्लेसमेंट भी हमें उसकी पता नहीं है तो displacement shortest distance between two point. तो डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट देखिए दोनों की दोनों सेम ही होंगी है ना अच्छा डिस्टेंस तो ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा तो दो डिस्टेंस ये कवर करेगा डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा तो u की वैल्यू क्या है u की वैल्यू है 40 इनिशियल वेलोसिटी 40 है हमें गिवन है g की वैल्यू माइनस टेन है v फाइनल वेलोसिटी क्योंकि ऊपर जा करके वो जीरो हो जा रही है राइट right? ऊपर गया और जाके रुक गया फिर नीचे आया तो वी हमारे पास ज़ीरो आ गया अब हम लोगों को एच निकालना है डिस्टेंस कवर निकालना है तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू तो टू जी एच में हम लोगों को वैल्यू पुट करनी है वी ज़ीरो है यू हम लोगों ने देख लिया है कि 40 है तो 40 का स्क्वायर इजिक्वल्स टू टू इंटू जी की वैल्यू 10 है और h हमें यहाँ पर निकालना है तो यहाँ पर ये यह देखिए अब जीरो हो गए यहाँ पे अब जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको हमें अकेला छोड़ देना होता है अकेला करना होता है तो एच की वैल्यू हमें निकालनी है तो यहाँ पर फोर्टी का स्क्वायर अपॉन टू इंटू क्वल टू एच है ना ये तो फोर्टी का स्क्वायर 40 40 तो इस जीरो से जीरो से टू फोर टूजा तो एट तो हाइट कितनी आ गई? आ गई गई आप लोगों ने क्या किया है बस वैल्यू पुट करनी है और करके आ जाएगा तो जो डिस्टेंस है इसमें फाइनल पोजीशन ऑफ द स्टोन इनिशियल पोजीशन तो नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट जीरो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कैसे हो जाती है अब यहाँ से चले यहाँ गए और यहाँ से फिर वापस यहीं पर आ गए तो आपकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाते हैं हम लोगों ने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है शॉर्टर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट बट आप एक जगह से चले और उसी जगह वापस आ गए तो आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाती है और डिस्टेंस कितना कवर किया उस स्टोन ने तो देखिए वो स्टोन पहले क्या हुआ यहाँ था नीचे था नीचे से वो ऊपर गया और ऊपर से वो फिर से वापस आया तो नीचे से ऊपर का डिस्टेंस अस्सी था फिर वो दोबारा आया तो स्टोन ने कितना डिस्टेंस कवर करा स्टोन ने तो अस्सी प्लस अस्सी है ना वन सिक्सटी मीटर एटी प्लस एटी वन एट वन सिक्सटी मीटर उसने स्टोन ने डिस्टेंस कवर कर लिया अब आगे के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं देखिए ज़्यादा नहीं बचे हुए हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कम्प्लीट हम कर लेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर भी खत्म ही पूरा हो जाएगा फिर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तो हो ही चुका है अब इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं सिक्सटीन सेवनटीन और एटीन है ना नाइनटीन ट्वेंटी वाला तो हम देख चुके हैं ट्वेंटी वन भी हमने देख लिया था ट्वेंटी टू सिर्फ न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए अच्छा लगा तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए थैंक यू लर्नर भी एक्स्ट्रा आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ साइंस की बुक आपकी जो चैप्टर टेन है ग्रेविटेशन उसकी एक्सरसाइज के हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं और अब ऑलमोस्ट फाइनली पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट होने ही वाला है तो हमें इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन में कहा गया है कि हमें फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट करनी है अर्थ और सन के बीच मतलब ये अर्थ है ठीक है और ये है सन तो अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशन की फोर्स है ना उसको हमें कैलकुलेट करना है गिवन हमें अर्थ का जो मास है वो हमें बता रखा है कि ये अर्थ का मास है और फिर उसके बाद हम लोगों को सन का भी मास बता रखा है तो अर्थ का सन का दोनों का मास हमें बता रखा है अर्थ का मास है सिक्स इंटू ट्वेंटू टी पावर ट्वेंटी फोर ये अर्थ का मास है और सन का मास है टू इंटू ट्वेंटू टी पावर थर्टी के जी है ना तो एवरेज डिस्टेंस दोनों के बीच का है ये अब हम लोगों को बताना है कि इन दोनों के बीच का ग्रेविटेशन कितना होगा तो मास ऑफ अर्थ आप लोग पहले लिख लीजिए कि भाई मास ऑफ अर्थ ये है जो पहले वो है ना निमारिकल में जो भी वैल्यूज गिवन होती हैं आप लोगों को क्वेश्चन में पहले आप लोगों ने वो नोट कर लेनी होती है मास ऑफ अर्थ ये है फिर मास ऑफ सन ये है अब डिस्टेंस भी हम लोग को बता रखा है कि डिस्टेंस ये है तो आप लोगों को क्या निकालना है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालनी है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल्स टू जी इंटू एम वन इंटू एम टू अपॉन आर का स्क्वायर अब आपके पास तो सारी की सारी वैल्यूज हैं अब सारी वैल्यूज हैं तो भाई सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए जी की वैल्यू आप लोगों ने याद करनी है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू दावर माइनस अलेवन क्योंकि हो सकता है कि कभी आप लोगों को एग्जाम में दे दें कभी हो सकता है नहीं दें कैपिटल जी की वैल्यू होती है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू दावर माइनस अलेवन तो ये आप लोगों ने बिल्कुल याद रखनी है तो इस रिक्वेस्ट क्या है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन जी की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ रख दी और सिर्फ वैल्यू अब तो पू्टी करनी है ना फॉर्मूले में सारी वैल्यूज तो हमारे पास है ही फिर मास ऑफ़ अर्थ जो है वो क्या दे रखा है सिक्स इंटू टें टू दी ट्वेंटी फोर और मास ऑफ़ सन जो है वो है टू इंटू टें टू दी थर्टी और डिस्टेंस भी हम लोग को बता रखा है दोनों के बीच का एवरेज डिस्टेंस है वन पॉइंट फाइव इंटू टें टू दी अलेवन और फार्मूले के अकॉर्डिंग इस पर स्क्वायर लगाएंगे अब इसके बाद तो भाई देखिए आप लोगों ने सिर्फ कैलकुलेस ही करनी है कैलकुलेशन के अलावा अब इसमें कुछ रह भी नहीं जाता है तो यहाँ पर ये है जी की वैल्यू ये रही और एम ये है और एम एस ये है और आर का स्क्वायर वन पॉइंट फाइव इंटू टू दावर अलेवन फिर ये इन सब की जब कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका आ जाएगा फोर थ्री पॉइंट फाइव सिक्स इंटू ट्वेंटू द पावर ट्वेंटी टू थ्री पॉइंट फाइव सिक्स इंटू ट्वेंटू द पावर ट्वेंटी टू न्यूटन इनफैक्ट आप ये वाली वैल्यू तो याद भी कर सकते हैं पता है क्यों क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें कॉन्टेंट हैं ये सारी चीज़ें कभी बदलती नहीं है मास ऑफ अर्थ नहीं बदलेगा आपका मास ऑफ सन नहीं बदलेगा इन दोनों तो के बीच का डिस्टेंस नहीं बदलेगा तो एग्जाम में अगर आप लोगों को कैलकुलेशन से बचना है तो आप इसको सिंपली जैसे आप लोगों ने जी की वैल्यू याद करी है ऐसे ही आप लोग अर्थ और सन के बीच का फोर्स भी फोर्स भी याद कर सकते हैं क्या है अर्थ और सन के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स थ्री पॉइंट फाइव सिक्स इंटू दी पावर ट्वेंटी टू न्यूटन थ्री पॉइंट फाइव सिक्स दी पावर ट्वेंटी टू न्यूटन ये अर्थ और आ, सन के बीच की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है या फोर्स है अब हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्वेश्चन अब सेवेंवटीन और सिक्सटीन भी इंपॉर्टेंट था तो सेवेंटी में हम लोगों को बोला गया है स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर हंड्रेड मीटर एंड एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद द वसिटी ऑफ ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड देखिए कहा गया है कि एक टावर है ठीक है सौ मीटर का इसकी हाइट सौ मीटर है उसके टॉप से एक स्टोन फेंका गया है हाँ ठीक है टॉप से स्टोन फेंका गया है और एक उसके मतलब टावर के नीचे कोई इंसान खड़ा है उसने ऊपर की तरफ फेंका है एक स्टोन जो है वो ऊपर से टावर जो है कोई बिल्डिंग होगी उसको टावर ही कहते हैं है ना बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग होती है उसमें से नीचे की तरफ स्टोन फेंका है और किसी कोई ज़मीन पर खड़ा हुआ है उसने जमीन से ऊपर की तरफ स्टोन फेंका है अब हम लोगों को बताना है कैलकुलेट वेन एंड वेयर द टू स्टोन मीट तो भाई बिल्कुल सेम टाइम पर एक यहाँ से फेंका गया है और एक ऊपर से फेंका गया है तो कहाँ पर किस जगह पर वो दोनों के दोनों स्टोन मिलेंगे ये हमें बताना है तो हाइट हम लोगों को पता है कि हाइट क्या है एच है अब हम लोगों को लेट द स्टोन मीट हम लेट कर लेते सपोज करते कि टी सेकेंड के बाद वो स्टोन मिलेंगे और किसी पॉइंट पी पर वो मिलेंगे और हाइट एक्स पर मिलेंगे मतलब टाइम टी होगा कोई पॉइंट एक पॉइंट होगा पी और हाइट जो है उसकी एक्स होगी ग्राउंड से ऊपर तो फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसे बना लेते हैं ये देखिए टावर है है ना इस पॉइंट पर सपोज करिए मिलेंगे स्टोन वन है स्टोन टू है है ना ये पॉइंट पी है और ये ग्राउंड से ऊपर की हाइट जहाँ पे वो मिल रहे हैं उसको हम एक्स मान लेंगे तो ऊपर बची हुई हाइट क्या होगी हंड्रेड माइनस एक्स देखिए हमने क्या किया है कि हमने स्टोन वन स्टोन टू मान लिया कि ऊपर से ये फेंका नीचे से ये फेंका किस पॉइंट पर मिल रहे हैं उसको हमने पी मान लिया और किस हाइट पर मिल रहे हैं तो जिस हाइट पर वो लोग मिल रहे हैं ना वो ग्राउंड से नीचे हमने मान लिया कि एक्स हाइट पर मिल रहे हैं तो ग्राउंड से ऊपर मतलब जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं और टावर की हाइट कितनी हो गई हंड्रेड माइनस एक्स क्योंकि टोटल हंड्रेड है तो अगर एक पॉइंट एक्स है तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा दूसरा पार्ट हंड्रेड माइनस एक्स हो जाएगा तो फॉर स्टोन वन पहले स्टोन के लिए जो क्योंकि पहला पहले हम पहले स्टोन के सब कुछ निकालते हैं पहले स्टोन के लिए आपने स्टोन फेंका है तो यू क्या होगा जीरो होगा अब हाइट हम लोगों ने देख लिया कि वो किस जगह पर आकर के मिल रहे हैं तो हाइट कितनी बची मिलने से पहले हंड्रेड माइनस एक्स है ना और ए जो है या फिर जी आप जिसको बोलते हैं कुछ भी बोल लीजिए एक्सिलेशन या फिर ग्रेविटी उसकी वैल्यू नाइन पॉइंट एट है अब हम लोगों को क्या निकालना है कि किस पॉइंट पर वो लोग आकर के मिल रहे हैं यानी कि हम लोगों को एस की वैल्यू निकाल देनी है है ना तो एस की वैल्यू सॉरी एस की वैल्यू तो हम लोगों ने पता है ना यहाँ पर कि वो हंड्रेड माइनस एक्स वाले डिस्टेंस पे हैं जो ऊपर वाला स्टोन है यू की वैल्यू तो जीरो है यहाँ पर तो टी भी ज़ीरो हो जाएगा अब हाफ ए एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नाइन पॉइंट एट और टाइम हम लोगों ने लिया है कि भाई टी टाइम है तो हम लोगों ने दो दो वेरिएबल्स ले लिए एक हंड्रेड माइनस एक्स यहाँ पर बन गई और नाइन पॉइंट एट आप इसको काटेंगे तो टू फोर ज़ा एट और टू नाइन ज़ा एटीन तो फोर्टी नाइन फोर पॉइंट नाइन टी का स्क्वायर ये इक्वेशन नंबर वन बन गई है ना कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखा दी है सिंपल सा हम लोगों ने ये इक्वेशन है इस वाली इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देंगे तो एस जो था वो हमारा हंड्रेड माइनस था ना हमने देख लिया था क्योंकि टोटल एस एस क्या होता है एस बेसिकली डिस्टेंस का सिंबल हम लोगों ने बना रखा है यहां पर तो ये पूरा का पूरा एस हंड्रेड था अब ऊपर से जहां पर स्टोन मिलेगा हमने नीचे से

हंड्रेड माइनस एक्स ऐसे करके तो यहाँ पर यू की जो वेलोसिटी यू की वैल्यू है वो है ट्वेंटी फाइव तो यू ट्वेंटी फाइव है यहाँ पर और h जो है वो है एक्स और यहाँ पे तो h एक्स है ऊपर इससे वाले पहले वाले जब ऊपर से फेंका गया था वो हंड्रेड माइनस एक्स थी अब एक्सोरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो माइनस नाइन पॉइंट एट इसकी वैल्यू है अब यहाँ पर आता है s इज इक्वल्स टू एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमारे पहले वाली ही इक्वेशन जो हम लोगों ने ली थी वही वाली हम लगा देंगे तो यहाँ पर एस की जगह हम लोग एक्स रखेंगे और यू की जगह हम लोग को पता है कि यू की वैल्यू क्या है ट्वेंटी फाइव है तो एक्स इज इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव टी और प्लस हाफ़ ए की वैल्यू है नाइन पॉइंट एट और टी तो हम लोगों ने टी इज टू टाइम तो हमने लिया ही था है ना टाइम तो यहाँ पे ये वाली पूरी की पूरी क्वेश्चन बन जाएगी तो यहाँ पे हो जाएगा ट्वेंटी फाइव टी इधर आ जाएगा है ना और ये हाफ़ काट देंगे तो नाइन 9... T square. तो हमारी हमारी क्या क्या बन बन गई गई ये अब हम क्या करेंगे equation number first जो थी हमारी और सेकंड थी ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी है ना और ये वाली इक्वेशन नंबर सेकंड थी अब इन दोनों को आप क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ऐसे होगा ना देखिए हंड्रेड माइनस एक्स और प्लस एक्स इज इक्वल टू इधर क्या बचा था पूरा इधर बचा था ये इधर तो सिर्फ और सिर्फ इतना सा बचा था ना फोर पॉइंट नाइन टी स्क्वायर है ना और इधर अपना क्या बचा था इधर अपना ये बचा था ये वाला प्लस ट्वेंटी फाइव टी और माइनस फोर पॉइंट नाइन टी स्क्वायर अब ये वाला प्लस का फोर पॉइंट नाइन टी स्क्वायर था और ये वाला माइनस का था कट जाएगा एक्स से एक्स कट जाएगा तो क्या बचा इधर हंड्रेड इज इक्व टू और ये टी था ना हंड्रेड इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव टी बचा तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हंड्रेड डिवाइडेड बाई ट्वेंटी टू फोर तो चार सेकेंड बाद वो दोनों आपस में मिलेंगे आया ना समझ देखे सिंपल सा है मैं एक बार फिर से करके बता देती हूँ इक्वेशन वन जो थी ना इक्वेशन वन में आपको इतनी बड़ी सी ये दिख रही है एक्चुअली इक्वेशन वन ना इसको लेना चाहिए मैं बताती हूँ फोर पॉइंट नाइन टी स्क्वायर इज इक्वस टू हंड्रेड माइनस एक्स ये है इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू है यहाँ पर देखिए ट्वेंटी फाइव टी माइनस फोर पॉइंट को ऐड कर दिया इन दोनों को जब आप प्लस कर देंगे, तो बनेगा फाइव टी माइनस फोर पॉइंट नाइन टी स्क्वायर इज इक्वल टू हंड्रेड माइनस एक्स और प्लस एक्स अब सिंपल सा देखिए ना माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया है ना माइनस एक्स से प्लस एक्स से कट गया अब फोर पॉइंट नाइन टी स्क्वायर ये वाला माइनस का था वाला का था ये इससे कट गया तो क्या बचा इधर इधर बचा ट्वेंटी फाइव टी और इधर बचा हंड्रेड आप ट्वेंटी फाइव को हंड्रेड के नीचे आप ले जाएंगे तो हंड्रेड अपॉन ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी फाइव फोर सा क्या होता है हंड्रेड होता है तो यानी कि टी जो आ गया हमारा टी की वैल्यू आ गई फोर सेकेंड तो फोर सेकेंड के बाद वो दोनों स्टोन आपस में मिल जाएंगे अब ये वाली जो वैल्यू है फोर सेकेंड की हमारे पास टी क्या आ गया टी आ गया हमारे पास फोर

तो यहाँ पर देखिए जरा सिंपल सी कैलकुलेशन है 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू फोर पॉइंट नाइन इंटू फोर इंटू फोर तो फोर पॉइंट नाइन इंटू फोर जो सिक्सटीन फोर पॉइंट नाइन को आप सिक्सटीन से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आएगा सेवेंटी एट पॉइंट फोर मल्टीप्लाई करके देख लीजिए फोर पॉइंट नाइन को आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 8, uh, 16 से क्योंकि 4 का स्क्वायर यानी कि 4, 4 जा 16, 4. को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा अब क्योंकि यहां पर जो चीज माइनस में थी वो इक्वल टू से दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी तो एक्स इज इक्वल टू हंड्रेड माइनस सेवेंटी एट पॉइंट फोर आ जाएगा आंसर ट्वेंटी सिक्स तो यानी कि जो डिस्टेंस था जिस point, जिस पॉइंट डिस्टेंस पर मिल रहे थे जाकर के वो डिस्टेंस था 21.6 मीटर पर वो दोनों स्टोन मिल रहे थे और दोनों स्टोन्स को अगर सेम टाइम पर एक ऊपर से फेंका गया है और एक नीचे से फेंका गया है किस पॉइंट पर कितने टाइम बाद मिल रहे थे चार सेकेंड बाद तो वो मिल रहे थे और कितने डिस्टेंस के बाद मिल रहे थे ट्वेंटी मीटर डिस्टेंस के बाद वो मिल रहे थे तो ये हम लोगों ने दो इसमें देख लिए हैं क्वेश्चंस अब हमारे एक क्वेश्चन ये बचा है और एक ये बचा है और हाँ तीन क्वेश्चंस बचे हैं बट छोटे हैं इनसे अब वो आगे के जो है ना हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि आप लोग भी मेरे को पता है आपको थोड़ा सा वो हो गए होंगे थक गया होगा दिमाग है ना एकदम से इतना सारा कुछ समझने में अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बस पूरा चैप्टर हमारे सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाएंगे कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा अच्छा लगा तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए थैंक यू टू लर्न वी एक्स्ट्रा आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ ग्रेविटेशन जो आपका चैप्टर टेन है उसकी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स तो क्वेश्चन नंबर हम देखने वाले हैं इसमें तो क्वेश्चन नंबर में कहा गया है अ बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न थ्रू थ्रोअर आफ्टर सिक्स सेकेंड मतलब कि आपने आप हैं थ्रोअर आप हैं बॉल फेंकने वाले पर्सन आपने बॉल फेंकी और आपके पास आपने ऊपर की तरफ बॉल फेंकी और आपके पास नीचे जो है वो वर्टिकली वर्टिकली मतलब ऊपर की तरफ आपने बॉल फेंकी है और वो आपके पास छः मिनट सॉरी छः सेकेंड बाद फिर से वापस आ गई अब फाइंड द विलोसिटी विद विच द बॉल इज़ थ्रोन यानी कि किस विलॉसिटी से यू यू क्या था जिस वेलोसिटी से उस बॉल को फेंका गया था तो यहाँ पे आपको यू की वैल्यू निकालनी है है ना तो यू की वैल्यू आपको निकालनी है फिर निकालना है बी पार्ट में द मैक्सिमम हाइट एड रीच्ड तो एच की वैल्यू भी निकालनी है फिर इट्स पोजीशन आफ्टर फोर सेकेंड चार सेकेंड के बाद वो कहाँ पर होगी तो तीनों पार्ट्स देखते हैं हमें सिर्फ और सिर्फ पता है कि उसकी वो कितने टाइम बाद मतलब छः सेकेंड बाद वो वापस ज़मीन पर आ गई थी तो इसका मतलब ये है कि इनिशियल वेलोसिटी है नहीं पता v की वैल्यू तो सारा का सारा हम लोग को निकालना है तो टाइम एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट तो टाइम जितना ऊपर जाने में उसको लगा उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगा होगा देखिए ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जितना टाइम ऊपर जाने में उसको लगा टाइम एसेंट ऊपर जाना इज इक्वल्स टू टाइम डिसेंट तो टाइम नीचे आने में भी उसको उतना ही लगा है तो अब इसमें देखिए यहाँ पर है ना क्या बोला गया है कि जब आपने थ्रो करी थी बॉल उतने देर के बाद आपने थ्रो करी और फिर छह सेकंड के अंदर अंदर ही वो नीचे आ गई मतलब आपको थ्रो करने में भी और नीचे आने में भी ये पूरा टोटल मिला करके आपको छह सेकंड मिले लगे हैं तो बेसिकली क्या है कि टोटल मिला करके छह सेकंड लगे हैं आप लोगों को फेंकने में और नीचे मतलब आपने ऊपर फेंकने में और वापस आने में टोटल बॉल को छः सेकेंड लगे हैं तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगा होगा t इज इक्व टू सिक्स बाई टू यानी कि ऊपर जाने में उसको लगा होगा तीन सेकेंड और नीचे आने में भी तीन सेकेंड लगे होंगे अब क्योंकि वो चीज़ नीचे आ करके गिर चुकी है तो आपकी वो v की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी हमें बेसिकली u की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है g हम लोग को पता है हम लोग नाइन पॉइंट एट लेकर के चलते हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अगर हम लोग लगाएंगे u v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी या फिर यू प्लस ए टी तो वी की वैल्यू तो भाई जीरो है क्योंकि वापस आकर के रुक गई है बॉल फाइनल वेलोसिटी जीरो यू की वैल्यू निकालनी है जी की वैल्यू है और टी की वैल्यू हमें पता लग थ्री है, है, है तो नाइन पॉइंट एट को आप थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हम माइनस आएगा ना क्योंकि जी तो माइनस नाइन पॉइंट एट है तो यू माइनस नाइन पॉइंट एट थ्री होता है ट्वेंटी क्योंकि माइनस था इधर जा, इधर जाकर जाएगा तो यू इज इक्वल टू ट्वेंटी तो कुछ होता ही नहीं है तो यू की वैल्यू आ गई ट्वेंटी पर सेकेंड आ रहा है ना समझ क्योंकि हम लोगों को बता रखा यू की वैल्यू निकालनी है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी क्या थी वी तो बॉल नीचे आकर के गिर गई है जीरो होगा जी क्या है माइनस नाइन पॉइंट एट ही हम लोग लेते हैं अब वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी भाई फॉर्मुले में रख दो तो वी तो जीरो है यू की वैल्यू निकालनी है जी है नाइन ए या फिर जी है नाइन पॉइंट एट और टाइम है थ्री तो यानी कि यू माइनस ट्वेंटी फोर ट्वेंटी पॉइंट फोर आ गया ट्वेंटी नाइन पॉइंट फोर को इस तरफ भेज देंगे तो यू की वैल्यू आ जाएगी यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा ट्वेंटी नाइन पॉइंट फोर मीटर पर सेकेंड बी पार्ट में हम लोगों को निकालनी है हाइट की कितनी हाइट पर टोटल हाइट कितनी थी मतलब कितनी हाइट तक वो बॉल गई है तो हाइट निकालने के लिए सिंपल सा हमारे पास यू की वैल्यू आ गई वी हमारे पास है सिर्फ ऐसी तो निकालना है ऐसे यहाँ पे हाइट होता है वी है ट्वेंटी सॉरी वी तो हमारे पास जीरो है है ना क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जीरो है तो वी स्क्वायर यार फॉर्मूला है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू जी एच या फिर टू जी एस तो वी तो अपने पास जीरो है और यू है ट्वेंटी नाइन पॉइंट फोर और इधर टू इंटू नाइन पॉइंट एट अब एच की वैल्यू निकालनी है इन एच करेंगे तो इसमें क्या होगा जिस चीज की वैल्यू निकालनी होती है अब तो देखिए ये वाला एच की वैल्यू निकालनी है ना तो एच को अकेला छोड़ देना इधर क्या बचेगा ट्वेंटी नाइन पॉइंट फोर इंटू क्योंकि दो बार है इंटू ट्वेंटी नाइन पॉइंट फोर इज इक्वल टू एच और एच के साथ जो टू इंटू नाइन पॉइंट एट है टू इंटू नाइन पॉइंट एट जो है ना वो नीचे आ जाएगा अभी देखिए माइनस यहाँ भी था माइनस यहाँ भी था माइनस से माइनस काट दो अब सिंपली आप लोगों को क्या करना है आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अब कैलकुलेशन करनी है कैलकुलेशन करके आपका सिंपल सा आप काट देंगे टू से काट दो है ना फिर नाइन पॉइंट एट से काट दो तो ट्वेंटी नाइन पॉइंट फोर को फिर एच की वैल्यू आ जाएगी फोर्टी फोर पॉइंट वन मीटर आपकी एच की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी सिंपल सी कैलकुलेशंस ही हैं इक्वेशंस में वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशंस करनी है और ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर देखिए बी वाला जो पार्ट था वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इसको टू टू जी एस यू की वैल्यू ऊपर निकाल ली थी वी की वैल्यू जीरो है क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जीरो है टू जी की वैल्यू रख दी एच की वैल्यू रख दी अब ट्वेंटी तो ट्वेंटी और टू इंटू तो आंसर हमारा जो एच का आ गया वो फोर्टी तो एच इज़ टू 44.1 मीटर आंसर अपना बन जाता है। अब है, अब सी पार्ट जो टी क्या है टी इज इक्वल टू थ्री सेकेंड है टी जो है वो थ्री सेकेंड है बॉल इज एट मैक्सिमम हाइट तो टी सेकेंड क्योंकि तीन सेकेंड उसको ऊपर जाने पे लगे हैं तो इस पर वो मैक्सिमम हाइट पर अपनी है तो अब हमें निकालना है कि वो चार सेकंड बाद पर होगी क्योंकि वो ऊपर जाने में में टॉप पे आने में, फिर नीचे आ रही है वो निकालनी है तो एस एस टू यू टी प्लस हाफ जी डी स्क्वायर एच की वैल्यू हमें निकालनी है अब यहाँ पर क्योंकि अब इनिशियल वेलोसिटी तो यहां पर जीरो बन जाएगी ना क्यूं क्योंकि वो ऊपर चला गया ऊपर से ऊपर जा करके फिर दोबारा से नीचे आ रहा है तो नीचे आते समय है ना ऊपर जाके बिल्कुल रुक चुकी है फिर नीचे आ रही है इनिशियल वेलोसिटी जब जीरो हुई होगी तभी तो वो नीचे ड्रॉप होना शुरू हुई होगी इसीलिए जो यू की वैल्यू है वो जीरो यही इस यही झोल है बस इसमें क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ये जो ट्वेंटी नाइन पॉइंट फोर जब ज़ीरो हुई होगी तभी वो नीचे गिरना शुरू हुई होगी तो यहाँ पर जो है ये जो है ये तो पूरा अपना जीरो आ गया हाफ जी टी जी की जगह नाइन पॉइंट एट और टी क्योंकि एक ही सेकेंड हम लोग टाइम लेंगे ना क्यों ये देखिए आपने टॉप से फेंका तीन सेकंड में टॉप पे गई फिर उसके बाद चार सेकेंड पे यानी कि तीन पे ऊपर गए और फिर एक सेकेंड और यहाँ पे ट्रैवल करी तो टी की वैल्यू यहाँ पे आपने आपने वन रखनी है तो फोर पॉइंट नाइन मीटर बिलो द टॉप टॉप से फोर पॉइंट नाइन मीटर होगी जीरो होगी यू की वैल्यू और जी की वैल्यू नाइन पॉइंट एट होगी और टी तो वन होगा क्यों क्योंकि बेस से ऊपर गया थ्री सेकेंड फिर थ्री सेकेंड की उसकी विलोसिटी ज़ीरो हो गई फिर वो चार सेकेंड आया तो फोर माइनस थ्री यहाँ पे वन ही तो हुआ ना उसका टाइम तो वन का स्क्वायर तो 9.8 2 2 4 8 और 2 9 18 4.9 मीटर बिलो द टॉप तो ये वाला हमारा न्यूमेरिकल हो गया क्वेश्चन नंबर 18 हो गया अब क्वेश्चन नंबर 19 20 ये तो हम लोग देख ही चुके हैं अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमें बोला गया है द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज दिस कोई 50 ग्राम का सब्सटेंस है ठीक है कोई है 50 ग्राम का सब्सटेंस उसकी वॉल्यूम है ये 50 ग्राम के सब्सटेंस की वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब कोई सब्सटेंस है उसका जो भार है उसका जो वेट है वो 50 ग्राम है और 50 ग्राम का जो ठीक है सॉरी वॉल्यूम है किसी सब्सटेंस 50 ग्राम हम्म सॉरी यार क्या बोल रही हो देखो वॉल्यूम ऑफ फिफ्टी ग्राम सब्सटेंस इज दिस पचास ग्राम का सब्सटेंस है उसकी वॉल्यूम है ट्वेंटी सेंटीमीटर क्यूब इफ डेंसिटी ऑफ वाटर इज वन ग्राम सेंटीमीटर माइनस थ्री अगर उस जो वाटर है वाटर की जो डेंसिटी है ना डेंसिटी है वाटर की ये विल सब्सटेंस फ्लोट और सिंक तो जो सब्सटेंस होगा ये वाला ये उसमें डूबेगा या तैर जाएगा तो देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो होती है वन ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है ना ये हमें पता है और दिया भी है मास जो है सब्सटेंस का वो हमें फिफ्टी दे रखा है वॉल्यूम भी दे रखी है तो सिंपली सा यार फॉर्मूला आपका प्रेजेंट है क्या है फॉर्मूला डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम तो मास 50 है और वॉल्यूम 20 है सिंपल सा मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी का फॉर्मूला मास 50 है अपने पास और वॉल्यूम है 20 तो 50 अपॉन 20 तो जीरो से ज़ीरो काटो और फिर उसके बाद फाइव पॉइंट लगा दो जीरो भरा दो और तो फिर टू टू ज फोर है ना और टू फाइव ज ट्वेंटी तो आप लोगों ने यहाँ पे पॉइंट आएगा सॉरी पहले क्योंकि ये तो ऐसे ही कट जाएगा है ना देखिये दोबारा सेवा करके बता देती हूँ गलत पॉइंट लगा दिया था मैंने यहाँ पे ऊपर है यहाँ पे है। यहाँ पे है 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 तो 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 ना फिर पॉइंट लगाओगे जीरो बढ़ाओगे तो टू जा टेन। तो आ जाएगी ग्राम सेंटीमीटर अब देखिए की इतनी है वाटर की डेंसिटी क्या है वन और हमारे जो सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी टू पॉइंट फाइव आ रही है अब एज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज ग्रेटर द सब्सटेंस विल सिंक इन वाटर तो जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी ना तो वो ऑब्जेक्ट तो में डूब जाएगा अगर उस ऑब्जेक्ट की तैरेगा तो डूबता है, है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू में हम लोग को कहा गया है the volume of sealed packet is this. तो एक पांच सौ ग्राम का पैकेट है तो उसकी एक हमें पैकेट दे रखा है मास दे रखा है मास के दे रखा है कि भाई 500 ग्राम है उस पैकेट का है ना और उसकी वॉल्यूम क्या है वॉल्यूम है उसकी 350 सौ पचास विल द पैकेट पैकेट फ्लोट और सिंक इन द वॉटर वाटर की डेंसिटी दे रखी है ये अब वो पैकेट फ्लोट करेगा सिंक कर जाएगा पानी में ये बताना है और वट विल बी द मास ऑफ वाटर डिसप्लेसड बाय द पैकेट अब अगर वो फ्लोट करेगा सिंक करेगा जो भी होगा तो उसके बाद मास कितना वो वाटर में डिस्प्लेस करेगा तो ये हमें बताना है सिंपली डी इज इक्व टू एम अपॉन वी ये आप लोगों ने लगा देना है मास क्या है डी इज इक्व टू एम अपोन वी आप लोगों ने फार्मूला लगा दिया डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम तो मास क्या है आपका मास है 500 है ना और वॉल्यूम है हमारे पास 350 तो जीरो से जीरो काट देंगे अब फाइव वनजा फाइव और फाइव फाइव uh, सेवनजा थर्टी फाइव तो टेन अपॉन सेवन हो जाएगा टेन अपॉन सेवन को आप लोग काटेंगे तो आ जाएगा आपके पास आंसर वन पॉइंट फोर टू एट ग्राम ठीक है वन पॉइंट फोर टू एट ये आपकी वैल्यू आ जाएगी तो डेंसिटी क्या आ जाएगी आपकी 1.428 ये आप लोगों की डेंसिटी आ जाएगी सिंस जो पैकेट की डेंसिटी है वो पानी से ज्यादा है अब पानी से ज्यादा है जिस भी चीज की डेंसिटी तो भाई वो पानी में क्या होगा डूब जाएगा तो पानी की डेंसिटी से ज्यादा है तो डेंसिटी इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर इट विल सिंक एज द पैकेट विल फुली समस्ड इन वाटर पैकेट जो है वो पूरी तरीके से समझ होगा पानी में क्योंकि अब पूरी तरीके से समज्ड होगा पूरी तरीके से डूबा हुआ होगा पैकेट पानी में तो कुछ देखिए ये जो है ना इसलिए मैंने आपको लोग को अलग से करके दिखाया है गड़बड़ हो गई है यहाँ पे यहाँ पे देखिए डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास वॉल्यूम होता है और यहाँ पे आप लोग मास 500 है और आपकी वॉल्यूम 350 है तो आपका आंसर आ जाएगा 1.428 ग्राम है ना पूरी गड़बड़ है यहाँ पे सारी तो 1.428 ग्राम आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर माइनस थ्री अब क्योंकि उसकी वो डूब रहा था पानी में तो वॉल्यूम ऑफ पैकेट अब यहाँ पे मास ऑफ वॉटर डिस्प्लेस देखिए मास ऑफ वाटर बाय पैकेट पैकेट क्या होगा वॉल्यूम ऑफ ऑफ इनटू डेंसिटी वाटर तो मास डिस्प्लेस्ड मास डिस्प्लेस्ड कितना होगा 350 फिफ्टी इंटू वन यानी कितना मास वो डिस्प्लेस कर देगा पानी का तीन ग्राम ठीक है तो 350 ग्राम जो है मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ पैकेट तो वाटर डिस्प्लेस क्या होगा वॉल्यूम ऑफ पैकेट इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर तो 350 फिफ्टी इंटू वन तो 350 ग्राम पानी डिस्प्लेस वहाँ से हो जाएगा तो अब हम लोगों के जितने भी न्यूमैरिकल्स थे ना इस चैप्टर के और मतलब जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने सारे के सारे देख लिए हैं अब ग्रेविटी वाला हो गया हमारा ग्रेविटेशन का अब आगे जो बाकी कुछ बचे हुए चैप्टर्स हैं चैप्टर्स तो हमने पढ़ा तो देखिए सारे दिए अब कुछ चैप्टर्स के एक्सरसाइज और इंटेक्ट वगैरह रहते हैं वो हम धीरे धीरे देख लेंगे तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए अच्छा लगा तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए थैंक यू